वेलकम बैक लर्नर्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस के बारे में बताऊंगी। इसे लॉ ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के नाम से भी जानते हैं। तो शुरू करते हैं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की डेफिनेशन क्या होती है? इट स्टेट्स एज वी इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ ओनली वन इनपुट कीपिंग अदर इनपुट फिक्स्ड टोटल प्रोडक्ट इनिशियली डिक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट देन एट डिक्रीजिंग रेट एंड फाइनली एट नेगेटिव रेट। इसमें जो ध्यान देने की बात है वो है सबसे पहले इंक्रीजिंग क्वांटिटी ऑफ ओनली वन इनपुट। जब किसी एक इनपुट की, एक पर्टिकुलर वेरिएबल इनपुट की जब हम क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं, ध्यान रखना है कि यहाँ प्रोडक्शन की बात हो रही है, ये प्रोडक्शन फंक्शन का लॉ है। ओके ना, जब हम प्रोडक्शन के समय में किसी एक वेरिएबल इनपुट यानी कि किसी एक वेरिएबल फैक्टर की क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं और बाकी के इनपुट्स को फिक्स्ड रखते हैं, अदर इनपुट्स को फिक्स्ड रखते हैं, तो जो हमारा टोटल प्रोडक्ट होता है वो क्या करता है, वो शुरू में तो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है, उसके बाद वो बढ़ता है बट वो डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, और लास्ट में वो धीरे धीरे नेगेटिव हो जाता है। ऐसा क्यों होता है ये हम जानेंगे। उससे पहले ये देखते हैं, एलवीपी शोज द नेचर ऑफ चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इज ओनली वन वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इस स्टेटमेंट से हमें ये समझ में आ गया कि एलवीपी क्या होता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है, कि जब हम इनपुट, एक वेरिएबल इनपुट को जब हम चेंज करते हैं तो उससे आउटपुट में क्या चेंजेस आते हैं, ये बताता है हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। आई थिंक आपको क्लियर है कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बताता क्या है, एक वेरिएबल इनपुट के चेंज होने से आउटपुट में क्या फर्क पड़ता है, ये बताता है हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। नाउ अब देखते हैं इसके कुछ अजम्पशंस यानी कुछ बेसिक पॉइंट्स जो अज्यूम किए जाते हैं इस लॉ को जानने के पहले। सबसे पहली बात कि ये शॉर्ट रन में होता है, लॉन्ग रन की बात नहीं की जाती है इसमें, इसमें सिर्फ शॉर्ट रन की बात की जाती है। लॉन्ग रन, शॉर्ट रन, वेरिएबल फैक्टर्स, प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट, ये सारे क्या होते हैं ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया है। आप चाहें तो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में जाके इन वीडियोस को आप देख सकते हैं। अप्लाइज टू बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर, इसमें दो तरह के फैक्टर इंक्लूड होते हैं, चूंकि इसमें शॉर्ट रन की बात हो रही होती है तो दो तरह के फैक्टर्स की बात होती है, फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर्स। वेरिएबल फैक्टर्स जिनको शॉर्ट रन में चेंज किया जा सके, और फिक्स्ड फैक्टर जिनको शॉर्ट रन में चेंज नहीं किया जा सकता है। हालांकि इस अजम्पशंस में एक चीज़ और होती है कि सिर्फ एक ही वेरिएबल फैक्टर को चेंज किया जाता है। अगर मान लो चार वेरिएबल फैक्टर्स हैं, जैसे रॉ मटेरियल्स है, लेबर्स हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी है, तो हम सारे वेरिएबल फैक्टर्स को ना चेंज करके सिर्फ किसी एक ही वेरिएबल फैक्टर को चेंज कर रहे होते हैं। यानी या तो हम पावर बढ़ा रहे होते हैं, या तो हम नंबर ऑफ लेबर्स बढ़ा रहे होते हैं, या फिर हम रॉ मटेरियल्स के अमाउंट को बढ़ा रहे होते हैं, सिर्फ किसी एक ही वेरिएबल फैक्टर को यहाँ चेंज किया जाता है। अप्लाइज टू द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन ओनली, इसको सिर्फ प्रोडक्शन के ही फील्ड में अप्लाई किया जाता है, ये कंजम्पशन या फिर सप्लाई ये सब में यूज नहीं होता है ये लॉ। फोर्थ वन इज ऑल वेरिएबल फैक्टर्स आर इक्वली इफिशियंट, और बाकी के जो वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं उन सबका इफिशियंटली यूटिलाइज किया जाता है, मींस वो सारी चीज़ों की वेस्टेज नहीं हो रही होती है, ठीक है। इसमें चेंजेस सिर्फ एक वेरिएबल फैक्टर्स की होती हैं, ये ध्यान रखना है। नाउ अब हम पहले इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि आखिर इस लॉ में होता क्या है। जैसे यहाँ दिया है कि फिक्स्ड फैक्टर्स जो हैं वो 1 1 1 1 1 1 यानी सब सेम है, लैंड, लैंड की बात की गई है एज अ फिक्स्ड फैक्टर, और वेरिएबल फैक्टर यहाँ लिया गया है लेबर को। लेबर में यहाँ चेंजेस किए जा रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ओके, लेबर में क्या हो रहा है, चेंजेस, यानी वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज किया जा रहा है, चेंज किया जा रहा है। तो टोटल प्रोडक्ट पे किस तरह से चेंजेस आ रहे हैं ये अब देखते हैं। जब एक लेबर काम कर रहा था तो 10 यूनिट प्रोड्यूस हो रहा था, ठीक है, जब दो लेबर आया तो क्या हुआ, 30 यूनिट प्रोड्यूस होने लगा, यानी कि हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो 20 यूनिट से इंक्रीज कर गया, ठीक है। अब जब तीन लेबर आया तो 45 यूनिट्स तो प्रोड्यूस हुआ, यानी इंक्रीज तो हुआ,
लेकिन हमारे मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो 15 यूनिट से ही डिक्रीज हुआ, मतलब 5 यूनिट से डिक्रीज हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या समझ में आता है? पहली पॉइंट में जहां हमारा टोटल प्रोडक्ट 10 से 20 हुआ और सॉरी 10 से 30 हुआ और मार्जिनल प्रोडक्ट 10 से 20 हुआ, वहां क्या हो रहा है? वहां टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा है इंक्रीजिंग रेट पे। ठीक है ना, यानी इसकी इसकी रेट पता चलेगी हमारे मार्जिनल प्रोडक्ट से, तो मार्जिनल प्रोडक्ट भी इंक्रीज कर रहा है, माने ये इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है। लेकिन जैसे ही तीसरे लेबर को इम्प्लॉयड किया गया तो टोटल प्रोडक्ट तो इंक्रीज हुआ पर हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट प्रीवियस वन से डिक्रीज हो गया। पिछले वाले में हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट 20 था बट इसमें हमारा सिर्फ 15 यूनिट्स ही रह गया मार्जिनल प्रोडक्ट, यानी कि रेट जो है वो कम गया, बढ़ने की जो रेट थी वो कम गई। उसके बाद जब फोर्थ लेबर को इम्प्लॉयड किया तो हमारा फिर से टोटल प्रोडक्ट तो इंक्रीज किया लेकिन मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा 7 यूनिट्स पे आ गया, यानी पहले से डिक्रीज कर रहा हो रहा है। उसी तरह से फिर जब 5 यूनिट्स ऑफ लेबर आए तो हमारा टोटल प्रोडक्ट क्या हुआ? फिर से सीमित हो गया, लास्ट वाले पे ही आकर के हो गया, यानी कि अब टोटल प्रोडक्ट हमारा मैक्सिमम हो गया है। इससे ज्यादा टोटल प्रोडक्ट को इंक्रीज नहीं किया जा सकता शॉर्ट रन में। हमने पढ़ा था लॉन्ग रन और शॉर्ट रन में क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्योंकि इस लॉ पे शॉर्ट रन की बात की जाती है, जिस वजह से क्या होता है कि शॉर्ट रन में एक टाइम के बाद टोटल आउटपुट को टोटल प्रोडक्ट को इंक्रीज नहीं किया जा सकता जब तक हम फिक्स्ड फैक्टर को ना चेंज करें, और शॉर्ट रन में फिक्स्ड फैक्टर चेंज नहीं होते हैं। तो इस वजह से क्या हुआ, एक समय के बाद आउटपुट हमारा मैक्सिमम हो गया, 52 यूनिट्स पे आकर के वो रुक गया, और जिस वजह से हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो हो गया। क्या हो गया हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट? यहाँ पर जीरो। अब ये जीरो मार्जिनल प्रोडक्ट हो गया तो अब क्या होगा? इस तीन फेज में हमने देखा कि इंक्रीज तो किया हमारा टोटल आउटपुट, पर जो उसकी रेट थी, जो मार्जिनल रेट थी, वो क्या थी? डिमिनिशिंग थी, यानी कि इंक्रीज तो किया लेकिन डिक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज किया। और फिर क्या हुआ, वो नेगेटिव होना शुरू हो गया, जो हमारा रेट था वो नेगेटिव होना शुरू हो गया और टोटल प्रोडक्ट भी नेगेटिव सॉरी डिक्रीज करना शुरू कर दिया, टोटल प्रोडक्ट भी डिक्रीज करना। ये ऐसा क्यों हुआ, इसको ऐसे समझते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होगा। जैसे कोई काम है जिसमें चार लेबर्स की जरूरत है, ठीक है, कोई काम चार लेबर्स मिलकर के कर सकते हैं, पहले उसमें तीन लेबर एम्प्लॉयड थे तो क्या हो रहा था, काम कम हो रहा था, पर जब हम उसमें एक लेबर को और एम्प्लॉयड किए तो क्या होगा, काम थोड़ा और अच्छे से होने लगेगा और ज्यादा अच्छे से होने लगेगा। बट जब वो काम चार लेबर ही कर सकते थे, ठीक है, अब जब हम पांचवे को एम्प्लॉयड किए तो क्या होगा, काम तो उतना ही होगा क्योंकि वो काम सिर्फ चार लेबर्स का ही था, ये जो पांचवा लेबर हमने एम्प्लॉयड किया इसका कोई काम नहीं है, ये खाली बैठा रहेगा। ठीक है ना, बात को समझिए आप। वो फोर्थ लेबर जो है वहां तक तो काम हमारा बहुत अच्छे से होगा, बट फिफ्थ लेबर आने के बाद वो लेबर एक्स्ट्रा हो जाएगा, ठीक है, वो हमारा वेरिएबल फैक्टर एक्स्ट्रा हो जाएगा, उसकी हमें जरूरत नहीं, जिस वजह से हमारा टोटल प्रोडक्ट जो है वो घटना शुरू हो जाएगा और मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें तीन फेजेस होते हैं इस लॉ में, पहला इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, दूसरा डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, और तीसरा नेगेटिव रिटर्न टू अ फैक्टर। इसे हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे इस ग्राफ में ये हमारा शुरू में तो इंक्रीज किया इंक्रीजिंग रेट पे, फिर हम देख रहे हैं कि टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज तो कर रहा है लेकिन उसका कर्व धीरे धीरे नीचे की ओर जा रहा है, जिसको कहते हैं हम इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट। और उसके बाद एक पॉइंट पे आने के बाद जहां पे टोटल प्रोडक्ट हमारा मैक्सिमम है वो उसके बाद घटना शुरू हो गया, यानी डिक्रीज करना शुरू हो गया। तो पहला क्या हुआ, इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, डिक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, और तीसरा फेज क्या हुआ हमारा, नेगेटिव रिटर्न टू अ फैक्टर, जो हमने यहाँ देखा कि माइनस फोर हो गया। तो इस तरह से तीन फेजेस होते हैं, और वही हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट के साथ भी होता है, पहले वो इंक्रीज करता है फिर वो डिक्रीज करता है और लास्ट में वो नेगेटिव हो जाता है। हालांकि टोटल प्रोडक्ट नेगेटिव नहीं होता है बट मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।